मॉर्निंग एवरीवन। स्पीड में हो ना तो गाड़ी रेस में चाय नाश्ता कर लेते हैं। जब ट्रैफिक लग गया है वो ट्रक तो निकल गया, ये कचरे वाले चलो खोल लिया। ये कच्चे रास्ते बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। फिर लोकेशन में हमको फंसा दिया तीसरी डेस्टिनेशन पे। आना पहले जरूरी है, बजरी ऐसा लेपा जाता है। ये सब 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 होगा तो जरूर करेंगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। आज का दिन है 13th of April और आज है सैटरडे। आज के दिन की शुरुआत थोड़ी लेजी हुई, बाकी जो भी हुआ जैसा भी हुआ कुछ कुछ हुआ तो अभी हम नहीं कर रहे किसी काम से बाहर, तो देखते हैं वर्कआउट होता है क्या, कुछ सर्च करना है, कुछ करना है तो बहुत सारी चीज़ें मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। तो उन सब चीज़ों के लिए अभी हमको तो बाहर निकलना पड़ेगा, तो निकल रहे हैं अभी हम बाहर। टाइम हो रहा है 11:30 एंड चीज़ों को और वर्कआउट करना है जल्दी से जल्दी, अच्छे क्या होता है। ओके, तो थोड़ी देर में कंटिन्यू करता हूँ। हाँ जी, तो हम निकल गए हैं अपने काम के लिए। तो मैं अगर एसी स्पीड में हो ना तो गाड़ी रेस नहीं लेती ज़्यादा। जैसे अभी अपने पुराने वीडियो की जो मेरे से डिलीट हो गई उसकी वीडियो भी बना ली है और वो मैं अब कल वाली वीडियो में अपडेट कर दूंगा, बाकी ये वाली वीडियो आपको उसके बाद मिलेगी। तो चलते हैं, काम वगैरह करते हैं, ज़्यादा मस्ती नहीं, ज़्यादा शोशेबाजी नहीं, अपने काम में फोकस। रुके, मैंने सोचा थोड़ा चाय नाश्ता कर लेते हैं क्योंकि जाने के बाद फिर खाना वगैरह मेरे को होता नहीं है टाइम पे। मैंने सोचा अभी पीछे एक कैफ़े है वहाँ पर जाके चाय पी लेता हूँ और वड़े वगैरह खा लेता हूँ, तो थोड़ा एक पेट को सहारा रहता है। पता नहीं क्यों आज सैड लग रहा है, वीडियो डिलीट का है थोड़ा। चलो ठीक है, अभी जाते हैं और कर लेते हैं थोड़ा नाश्ता, है ना। गुड टू गो। चालू कर लो और चलो अब अपने डेस्टिनेशन पे। अब व्लॉगिंग बंद। बुरा लग रहा है। जब ट्रैफिक लग गया है, लोग अपनी अपनी गाड़ियां मोड़ मोड़ के जा रहे हैं, अब हम कार वाला क्या करेंगे। फंस गए। चलो अब ट्रक फंस गया उधर, देखो ट्रक नहीं हिलेगा जब तक कुछ नहीं होने वाला। जान बचा के जा रहे, पता कौन से ट्रैफिक में फंस जाएंगे और टाइम लग जाएगा। लोगों को देख रहे हो, गाड़ियाँ मोड़ मोड़ के जा रहे हैं, लंबा जाम है मेरे को लगता है। क्या करूँ, मैं अभी मोड़ लूँ क्या, मेरे पीछे भी गाड़ियाँ हैं। कचड़े वाली गाड़ी भी इधर ही खड़ी है ना, इसीलिए वो ट्रक तो निकल गया। ये कचड़े वाली गाड़ी अभी जब तक खड़ी रहेगी, छोटा सा रोड है तब तक ये ऐसे ही चलता रहेगा ट्रैफिक का सिलसिला। अभी तो थोड़ा फ्री हो गया, हम भी ऑलमोस्ट पहुँच ही गए। अरे रुक जाओ एसी भैया। अरे यार मैंने ना मिरर उधर का बंद कर दिया है, अब मेरे को बैक साइड का फिर कैसे दिखेगा, है ना। पहले वो मिरर का मैं कर लूँ। बड़ा दूर एक तो रिक्शा लेगा, इतना दूर पड़ता ना मेरे को, वहाँ तक हाथ भी नहीं पहुँचता, लटक के करना पड़ता है या फिर उतर के करना पड़ता है। चलो तो अभी हम जा रहे हैं अपने काम से नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर बिना डिले किए हुए, और जाके हाँ जी ओके। तो हमको जो भी काम है हम देख लेते हैं, हमको गूगल मैप चालू करना पड़ेगा नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी, समझ लो, क्योंकि रास्ता नहीं मालूम है ना, यहाँ पर रास्ता ढूंढने के लिए गूगल मैप करना पड़ता है। कभी कभी ये भी घुमा देता है बट मोस्टली जगह पहुँचा देता है रिक्वायर्ड डेस्टिनेशन पे, है ना। अभी डिले नहीं करते हैं, गाड़ी चला लेते हैं। कच्चे रास्ते बिल्कुल अच्छे नहीं लगते ऐसे ना,
रोड ना सारे टायर की, गाड़ी की और मेरी, तीनों की बैंड बजाते रहते हैं। डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हम, कच्चे रास्ते पे। कच्चा रास्ता ही हमारा डेस्टिनेशन है। ज़्यादा बड़े कर गया नहीं। ओके, सो हियर इज द अपडेट। वी आर बैक फ्रॉम द मीटिंग एंड वी आर बैक इन आवर स्टूडियो, द कार स्टूडियो, एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट। मतलब हम अभी चलने वाले हैं और दूसरी जगह जाने वाले हैं किसी और से मीट करने के लिए। आप सोचते होंगे कितनी मीट करता, पता नहीं करता भी है या नहीं करता है। तो जो करता हूँ वो करता हूँ, जो नहीं करता नहीं करता। झूठ बोलने की अपनी आदत है नहीं, ठीक है। चाहे फेलियर है या चाहे सक्सेस है, जो भी है, जो करेंगे सच के साथ करेंगे, सच के सिवा और कुछ नहीं करेंगे, शपथ लिए हमने, ठीक है। तो ओवर रिएक्ट ना करते हुए आगे चलते हैं और अपना काम आगे का करते हैं। ओके, तो सी यू इन फ्यू मिनट्स। खाना भी खाना है, बच गए हैं दो, देख रहे हो 14-6, समझ रहे हो। और धूप भाई बहुत तगड़ी धूप है, पूरा पसीना हो जा रहा है। वी आर नॉट मेड फॉर दिस एनवायरमेंट, यू नो, वी हैव टू प्लांट मोर ट्रीज। अब देखो सामने वाला ट्री, चलो रखा तो है, कम से कम काटा है। बाकी जहाँ पर ये दिख रहा है ना आपको बंजर, यहाँ पर भी ट्रीज होने चाहिए। अब कौन समझाए लोगों को, गर्मी से बचना है और अच्छी लाइफ जीना है तो ट्रीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विद डेवलपमेंट। ओके, सो कहीं ना कहीं किसी ना किसी को ये भिजाएं कि उनको भी समझ में आए कि लाइफ सस्टेन करने के लिए ट्रीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पानी के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए। अब ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं, थोड़ी देर में कंटिन्यू करते हैं। फिर लोकेशन में हमको फंसा दिया। ओके, अब हम ढूंढ रहे हैं कि कहाँ पर हैं हम, ये तो डेड एंड है। ठीक है, देखते हैं। चलो देखो, जब तक लोकेशन आती है दोबारा फिर हम देखते हैं। तब तक के लिए हम यहीं पर वेट करते हैं, इधर उधर से जाते नहीं हैं, आसपास में ही है कहीं पर, देखते हैं। ऐसा सीन है कि हमने जो मीटिंग करनी थी वो मीटिंग कर ली, मैं भूल जाता हूँ ना कभी कभी कि इसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा आती है। हाँ, तो वहाँ से मीटिंग करके अभी हम निकल गए अपनी दूसरी डेस्टिनेशन की तरफ, जाते हैं फिर उसके बाद खाना वगैरह खा लेंगे। 3 बज गए हैं। मेरे को तो ये सोच के हंसी आती, कब टाइम निकल जाता पता नहीं चलता। तो अभी ज़्यादा लटकता नहीं हूँ, सीधा जाना है हमको और फिर उसके बाद हम आगे का काम कर देखते हैं, ठीक है। टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप सपोर्टिंग एंड एंजॉय योर लाइफ। लो जी, हम पहुँच गए अपनी दूसरी डेस्टिनेशन पे, तीसरी डेस्टिनेशन पे। अब चले हैं, जाते हैं थोड़ा मीटिंग वगैरह करके, तो खाना वगैरह खा लेंगे। और गजब धूप है, धूप का देख रहे हो, पगला कर देगी। हाँ जी, तो अभी हम निकल गए हैं खाना खाने के लिए, ठीक है। मैं चालू करना भूल गया क्योंकि मेरे को, मैं ठीक है, मैं कुछ और सोच रहा था, ठीक है। ओके, तो अभी हम निकले हैं खाना खाने के लिए, अब जाते हैं खाना वगैरह खाते हैं और फिर जो भी अपडेट है आपको थोड़ी देर में फिर देते हैं। हाँ जी, तो खाना वगैरह भी खा के ऑलमोस्ट हो गया, अब चलते हैं दूसरे काम पे। ओके, आके ना शरीर में भी गर्मी आ जाती है, फिर ऐसा लगता है जल्दी ए सी ऑन हो जाए। वैसे ए सी ऑन हो गया है, अब चलते हैं, यू टर्न लेते हैं और आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे काम की तरफ। ये मील्स जो पत्ते में दिख रहे हैं ना, वो खाया। ओके, साउथ में मील्स को बोलते हैं पूरा खाना, सापड़, तो वो खाओ पेट भर के और मजे लो, वही बेस्ट है। तो हमारा एक और काम हो गया इधर। वैसे ये जगह आपने शायद पिछले वीडियो में देख लेते बट वो वीडियो डिलीट होगी, फिर याद आ गई। अब मेरे को जब तक वो 2-4 दिन नहीं हो जाते ना इस दुख से रिकवर होने को, तब तक, हालांकि एक ही वीडियो थी पर मेरी कोई भी वीडियो अगर बिगड़ जाए ना तो मेरे को बुरा लगता है, यू नो, क्या बताएं। बस यही जगह सुकून दे रही है, वरना मैंने तो कब का हार मान लिया था। देख रहे हो कितना प्यारा लग रहा है, पता नहीं कितना जजमेंट आ रहा है नहीं आ रहा है इसमें, वीडियो में दिख रहा है नहीं दिख रहा है। ज़्यादा बड़बड़ करके टाइम वेस्ट ना करूँ, मैं जाऊँ अपना काम करूँ और आप लोग भी अपने काम धंधे पे लगे रहें, प्रोडक्टिव रहें, अपना कुछ अच्छा काम करें और जिंदाबाद रहें, ठीक है। ऐसा लेपा जाता है जहाँ पर मैं आया हूँ और कॉमन है। हाँ जी, तो जहाँ पर आए थे वहाँ पर तो लोग निकल गए हैं घर, क्यों,
क्योंकि कल है तमिल न्यू ईयर और क्या बोलते लोगों को वीकेंड है, छुट्टी है, तो सब अपने अपने घर जाना चाहते हैं। तो जिन जिन के मैनेजर घर गए हैं वो तो गए ही हैं, अब हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा कल्चर है, पता है क्या, कि सबके घर के बाहर जैसे हम बचपन में और गांव में करते थे ना, गोबर से लीपा पोती बाहर, बहुत ही प्यारा। मतलब यहाँ पर कल्चर है, प्रॉपर कल्चर है। अभी आपको दिखाता हूँ कि इवन ये यहाँ पर पीछे मंदिर है ना, मंदिर में भी किया है इन लोगों ने अपना। अब लोगों ने बंद कर दिया है, सिटीज में तो कोई करता नहीं है, बट यहाँ पर हो रहा है भैया, मजा आ रहा है। अभी आप देखना सामने कुछ अंटियां कर रही हैं, ये ऑफिस हो, घर हो, कुछ भी हो, ठीक है, सब सबके सब कर रहे हैं, सबके सब कर रहे हैं। अरे रुक जाओ भैया, देखो ये जो येलो येलो पार्ट दिख रहा है ना आपको, देख रहे हो, ये सब 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 वो है, गोबर से लीप रहे हैं। इतना ऑथेंटिक लग रहा है ना घर के बाहर, प्यारा लग रहा है। ये नई नई टाइल्स लगाना और कुछ कुछ करना, पेंटिंग वगैरह करना, ये सब ना करते हुए एक मिनट, बच गए, बाकी बच गए। एक तो इन लोगों ने रोड में बीच में ट्रक खड़ा किया है ना, वो लोग कैसे जाएंगे बताओ। तो मैं क्या कर रहा था, ये कल्चर अभी तक यहाँ पर कंटिन्यू है, एंड आई एम वेरी मच ग्लैड टू सी दिस। मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करें। अभी सब भी कर रहे हैं अपने घर पे, क्योंकि कल है तमिल न्यू ईयर, तो तमिल न्यू ईयर के लिए सब अपने घर में खुशियां मना रहे हैं, भगवान को याद कर रहे हैं, है ना। तो चलो इसी चीज के साथ हम भी चलते हैं अपने घर की तरफ और फिर आगे कंटिन्यू। हाँ जी, वेलकम बैक, एंड फाइनली इस डे को हम कर रहे हैं यहीं पर एंड, क्योंकि हम पूरे दिन भर गाड़ी से इधर उधर करके घूमते रहे हैं, एंड अभी समय है कि अब हमको घर निकल जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा काम हो गया है इधर ख़त्म, एंड टाइम से निकले हुए अच्छे हैं। कल दिन में कोई काम होगा तो ज़रूर करेंगे, टाइम पास नहीं करेंगे, एंड फिर उसके बाद जो भी होगा आगे आपको बताते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो जो भी देख रहा है सबको थैंक यू।